वो मुशक्कत, वो मेहनत करनी पड़ेगी, और इन सब के चलते चलिए स्पॉट आउट तो कर लिया गया फाइनली ओमेगा को, बट जोनाथन डाउन कर दिए जाएंगे, और इस समय के बहुत बड़ा ब्लो ऐसे में हो सकता है, बट टीम गॉड के बचे हुए प्लेयर जेली को भी उनके घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। जी गॉड लगातार हाई ग्राउंड से एडवांटेज उठाते नजर आ रहे, टीम ओमेगा को बैकफुट पे ढकेलना जरूर चाहते, बट ट्राई आउट इस समय पूरा का पूरा दारोमदार इनके कंधों पर है, क्योंकि जी गॉड की एचपी भी बहुत ज्यादा कम है, बट फिलहाल इस समय दोनों ही प्लेयर्स काफी ज्यादा लो ऑन एचपी, और दूसरी तरफ संघर्ष करती नजर आ रही है हमको जो है टीम आईक्यू सोल की भी प्लेयर्स, क्योंकि जोकर इस समय हाथ में डीवीएस लेकर मौजूद जरूर है। चलिए वीकर से उतरेंगे, एक अच्छा नॉक निकालते नजर आएंगे, क्या अपनी टीम के लिए सेवियर का रोल अदा कर पाएंगे या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तो लगातार जंप कर करके ये प्लेयर्स नॉक करता हुआ नजर आ रहा है, अपने ओपोनेंट्स को चारों खाने चित करता नजर आया, एर्क्लिन के ऊपर भी एक अच्छा कनेक्शन बनाया, एंड ये लीजिए जोकर के द्वारा एक शानदार 1v3 हमको देखने को मिलेगा।